मैं वो ओपन कर बहुत देता ही हूँ तब। रेयर इंफॉर्मेशन है, पहली बार डिस्कस हो रहा है इस चैनल पे, और बहुत ही मतलब हमारा विरोधी पक्ष का जो सबसे फेवरेट चैनल है उसने ये चीज लाई थी, दिखाई थी। नाम नहीं लेंगे उस चैनल जी का, ओपन कर दीजिए आप मेरा सब पीपीटी। जी समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूँ पहले थोड़ा सा। वो चैनल का नाम एस से स्टार्ट होता है, उसने वो दिखाया जिधर से था। शुरू होता है उधर ही खत्म होता है, उसको खत्म करेंगे, छोड़ो। हाँ, आप तो उसे पीपीटी पता शेयर नहीं करो। है, उसे पता नहीं है कि जहां से वो सीख रहा है ना ये सब, वहां के हम लोग प्रिंसिपल है। ये खोल दिया मैंने, तो ये देखा गया था लोगों को ये चीजें दिखाई जा रही थी वहां पे स्ट्रीम पे। ये अभी जल्दी से मेरे शेयर कर से दीजिए, मैं इसका डीबंक करता हूं। मैं पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो तथा कथित चैनल जो है, जो विरोधी पक्ष का वीडियो बनाता रहता है, वो क्लेम करता है ये सब दिखा के कि ये देखो कि आरटीआई अब आरटीआई, हाँ आरटीआई हम लोगों ने डाली इसको, और देखो इसमें बुद्ध का कोई एविडेंस नहीं दे रहा है, या साई का देखो गवर्नमेंट की मुहर लगी है, दिस पता नहीं क्या क्या घंटोलों की तरह कुछ भी मतलब मुंह खोल के कपोड़ने लगते हैं ये देखिए। तो ये मैसूर का जो है, तो ये चीज अब डिबंक होगी, और आगे मैं अभय जी को बोलूंगा कि थोड़ा सा अपने अंदाज में डिबंक करे इसको। तो करे करे इसको तो डिबंक। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल आना तो मुझे सीधा इसी टॉपिक पे था, लेकिन सोचा थोड़ा मसाला लगाया जाए। खैर, गुरु घंटोल ने बोला था कि तथागत के कोई भी अस्थि कलश के प्रमाण एएसआई के पास ही नहीं है, हमारे पास एएसआई की रिपोर्ट है। सो एंड सो यहां पे इन भाई साहब ने क्या किया, जो संक्रांति सर्कल है मैसूर का, उधर के एएसआई के ऑफिस में ये क्या करते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं। एंड क्या पूछते हैं ये देखिए, इज द साइंटिफिक एविडेंस ऑफ सिद्धार्थ बुद्धा अवेलेबल सच एज डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ऑफ बोन ऑफ सिद्धार्थ बुद्धा। पहली बात तो आर्कियोलॉजी के सेक्टर में तथागत को या तो तथागत बुद्ध बोलते हैं, या तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, या फिर शाक्य मुनि बुद्ध बोलते हैं, सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बोलते। अब ये कहां से, ये जो है संस्कृत और बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत जो ग्रंथ है, जो संस्कृत कैनन है, उससे उठा के बोल रहा है, चलो सही मान लेते हैं। खैर, लेकिन इसको आरटीआई में डालने नहीं आती। यहाँ पे ये दिखा के क्या बोलता है कि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, अवेलेबल ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, तो बुद्ध के अस्थि कलश मिले ही नहीं है, ऐसा इस गुरु घंटोल का कहना है। लेकिन यहाँ पे पूरी बात क्या लिखी है वो बताता नहीं है। द इंफॉर्मेशन सॉट बाय यू इज नॉट अवेलेबल एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस ऑफिस। दरअसल बात क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टेट बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अपने अलग अलग ऑफिसेस रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र का मुंबई का सायन में हमें एक मिलता है, ठीक है, एएसआई का, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का भी यहाँ पे एक ऑफिस मिल जाता है अपने को मुंबई साइड में। जैसे यूपी का देखा जाए तो वो लखनऊ सर्कल है, एक सेंट्रल भी होता है एएसआई का, लेकिन आरटीआई हमको जो है स्टेट वाइज हमको फाइल करनी पड़ती है। इसने क्या किया, मैसूरू वाले एएसआई के संक्रांति सर्कल में आरटीआई फाइल करी। और मेरे को एक सीधी सी लॉजिक वाली बात है, या तो इसको आर्कियोलॉजी आती नहीं है, या आर्कियोलॉजी पढ़ी नहीं है, या आर्कियोलॉजी आने का ये बंदा ढोंग करता है, या लोगों को पागल बना रहा है। ठीक है, वहां पे डाली, वहां पे कैसे क्या एक्सकैवेशन होगा जब तथागत का जन्म तथा महापरिनिर्वाण ये नॉर्थ इंडिया में हो चुका है, तो ये वहां कहां जा रहा है सदर्न पार्ट में। इसको आरटीआई डालनी चाहिए तो लखनऊ सर्कल में डाले ना, यहां पे कहां डाल दी। यहां पे दूसरे पेज पे लिखा भी है, इस कार्यालय को बौद्ध परंपरा मान्यता में वर्णित सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु संबंधित कोई भी पुरावशेष तथा पुरातत्व जैसे कैस्केट्स, बोन रिलिक्स आदि का प्राप्त नहीं हुआ। कैसे प्राप्त होगा जबकि वहां के एक्सकैवेशन में से ये सब चीज मिलती नहीं है। एक्सकैवेशन में से कहां से मिलती है, यूपी में से, कपिल वस्तु वहां पे है, तो वहां पे आरटीआई फाइल करना चाहिए ना। ये बोल रहे कि हमारे ऑफिस में इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कि पूरे एएसआई में इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं बोले, हमारे ऑफिस में इंफॉर्मेशन नहीं है।
इसने और दूसरी आरटीआई क्या डाली है कि इज देर एनी पैलेस फोर्ट और कंटेम्प्ररी इंस्क्रिप्शन सील एक्सेट्रा ऑफ फादर ऑफ सिद्धार्थ बुद्धा शाक्यमुनि अवेलेबल। यहाँ पे भी उन्होंने वही लिखा है, द इंफॉर्मेशन सॉट बाय यू इज नॉट अवेलेबल एज पर द रिकॉर्ड्स टू दिस ऑफिस। ठीक है, तीसरा क्या डाला है, When were 84,000 stupas of the Ashok built and how many years were they built? How much did it cost to build them and how many laborers were employed? Is there any archaeological record available? Same चीज यहाँ पे कि इस ऑफिस में ये चीज अवेलेबल नहीं है। Are there any inscriptions of चंद्रगुप्त मौर्य अवेलेबल? लो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन ढूंढने के लिए चला साउथ में। कितना मतलब तेजस्वी गुरु घंटोल है इनका। ठीक है, यहाँ पे इसने बोल दिया है द इंफॉर्मेशन सॉट बाय यू इज नॉट अवेलेबल एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस ऑफिस। तो अब बात दरअसल है क्या, क्या बुद्धा के कैस्केट एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है? देखो, मैसूरू के जो संक्रांति सर्कल है वहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जस्ट बिकॉज एक्सकैवेशन वहां पे कैरिड आउट नहीं हुए ना। कपिल वस्तु वहां पे थोड़ी ना है। कपिल वस्तु कहाँ पे, हमें यूपी में मिलता है। हिस्ट्री क्लियर अप जी शायद से डाउन चले गए। तो ये जरा उस गुरु घंटोल को ये स्ट्रीम भेजिएगा और कहिएगा कि आप दिखाना क्या चाहते हैं लोगों को, कहीं की चीज कहीं और दिखा के। खैर, तो हमारे पास लखनऊ सर्कल में फाइल की हुई हमारे एक मित्र ने हमें काफी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उन्हें, ये सारी कर्टेसी उन्हें जाती है उस रिपोर्ट की। तो ये है लखनऊ सर्कल के आरटीआई की रिपोर्ट। आई फाइल दिस आरटीआई टू नो अबाउट द मोहनजोदड़ो स्तूपा वैशाली एंड पिपरावा। अब यहाँ पे जिन्होंने आरटीआई डाली थी कि ओनली पिपरावा स्तूपा एट कपिल वस्तु इन सिद्धार्थ नगर कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लखनऊ सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड एट विच दिस स्तूपाज वर बिल्ट? तो यहाँ पे एएसआई रिप्लाई क्या देता है, द स्तूपा एट पिपरावा इज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्तूपास सो फार डिस्कवर्ड इन इंडिया। इट इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ड ऑन द एट पार्ट ऑफ मॉर्टल हेलो, रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी अचानक जी से अभी आ रही साउंड है। जी चली गई थी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा साउंड कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हम ये कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद वही पुराने वाले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं आपके। ठीक है हाँ, ठीक है जी। एट पार्ट जो तथागत बुद्ध के अस्थि कलश के अस्थियों के 8 भाग किए गए थे। ठीक है, एट पार्ट ऑफ मॉर्टल रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिसीव्ड बाय द शाक्यास आफ्टर महापरिनिर्वाणा। द स्तूपा वॉज बिल्ट इन 3 stages फ्रॉम 5th century। क्या लिखा है यहाँ पे, BCE, गुरु घंटोल जी को दिखाइए, 5th century BCE टू 3rd century CE इन फेज 1। इट वॉज रेस्ड बाय पिलिंग अप नेचुरल अर्थ डग फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया इन द सेंटर विच वॉज अ ट्यूमुलस कंटेनिंग अ बायफ्यूकुलेटेड चेम्बर ऑफ बर्नट ब्रिक्स टू कीप द सैक्रेड रिलिक्स। रिलिक्स की बात आई है यहाँ पे। टू सोपस्टोन कैस्केट ऑन ईच प्लेस्ड इन ईच चेम्बर। ये कौन से टू, दो सोपस्टोन की बात हो रही है वो भी बताता हूँ आगे। कंटेन्ड चैट बोन्स वेर एज द डिशेस वन इन द नॉर्दर्न चेम्बर एंड टू इन द सदर्न प्रोबेबली कंटेन्ड एश इन फेज 2। द स्तूपा वॉज फिल्ड अप बाय 50 cm थिक येलोइश कॉम्पैक्ट क्ले ओवर द स्ट्रक्चर इन दिस फेस अ मैसिव सैंडस्टोन कॉफर कंटेनिंग 5 caskets विद डिफरेंट प्रीशियस ऑब्जेक्ट along with the relics was covered by William Claxton Pepe in 1898. Lid of one of the satellite caskets was inscribed in क्या लिखा है, प्रीमोरियन 4th to 3rd century BCE। ये प्रीमोरियन है, मौरियन नहीं है, प्रीमोरियन। मेरे पास पूरी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है एएसआई की, जिसमें पर्टिकुलरली उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को बुद्धा के टाइम का बोला गया है, 4th century BCE 5th century BCE का है वो। तो ये है अपने पास एक्चुअल आरटीआई की रिपोर्ट की तथागत के अस्थि कलश मिले हैं या नहीं उसका एविडेंस। तो ये कुछ मेन चीज है। और दर्शकों, आपको अगर बुद्धा के रिलिक्स
विच वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम पेपे इन 1898, जो एक्सकैवेशन चला था 1897 और 1898-1899 तक, मेरे पास उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑथेंटिक. विलियम क्लैक्सटन पेपे सर के जो लेटर्स थे जो उन्होंने विंसेंट स्मिथ एज वेल एज डॉक्टर फरहर को लिखे थे, हमारे पास उनकी भी कॉपीज हैं. सेकेंडली, के एम श्रीवास्तवा ने जो अगेन एक्सकैवेशन कैरिड आउट किया था उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. वो भी रिपोर्ट मैं आप सबको अगर चाहिए हो तो उस पे एक अलग से स्ट्रीम करूंगा, उस पे हम डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द रिलिक्स. तो मैं एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि विलियम पेपे सर का जो एक्सकैवेशन था उसके लिए हम एक डेजिग्नेटेड चीज बनाते हैं स्ट्रीम, के एम श्रीवास्तवा सर के एक्सकैवेशन के लिए एक डेजिग्नेटेड स्ट्रीम करते हैं. एक पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट वाले में कवर हो जाएगा. थर्ड, जो इन लोगों के क्लेम्स है कि ये हड्डी इसकी नहीं उसकी नहीं, इनके गले में हड्डी फंसवाने के लिए तीसरी स्ट्रीम करता हूँ, जो कुछ गलत भ्रमिक चीजें फैलाते हैं. ठीक है, तो मतलब ये पूरा का पूरा कांड ही खत्म हो जाएगा इस बार इनका. जी, ये जो बेसिकली पीपीटी है मैंने अभी रेडी किया है, इसमें जो फोटोज हैं जो गुरु घंटोल ने फैलाए हुए हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं बस यही कहूंगा कि ये लोग जो है सबसे ज्यादा ना गमार इनकी ऑडियंस है देखने वाली, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, फैक्ट चेकिंग नहीं करते. एक्चुअली जो लोग ऐसी चीजें फैलाते हैं वो लोगों को अच्छे से पता है, जो उनको देखने वाले हैं उनको कुछ आता पता नहीं है आर्कियोलॉजी का, 1% कुछ पता नहीं है हिस्ट्री का आर्कियोलॉजी का, बस मुंह खोलते हैं वो लोग दिखा देते हैं. अरे भाई, फिर देखने के बाद फिर सब लोग सोचते हैं अरे भाई क्या दिखा दिया, मतलब उसको मतलब पता नहीं चने की भाड़ पे चढ़ा देते हैं, भाई तू इससे आके डिबेट कर ले, उससे आके डिबेट कर ले, ये कर ले, ये दिखा दिया, वो पहाड़ उखाड़ लिया. लेकिन सच्चाई देख लीजिए भाई लोग, ये होती है एक्चुअली में, जब आपके पास नॉलेज होती है, आर्कियोलॉजी की समझ होती है, तब आप ये चीज इजीली डिबंक कर सकते हैं. कोई भी किसी को भी, इवन आप उसके यार्ड में जाकर ही उसको मुंह पे उसके मार सकते हैं ये चीज. तो ये जो जितनी भी गुरु घंटाल लोग अपने लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जो ऐसी चीजें फैला रहे हैं, सोचिए उसको वो फेक साबित करना चाह रहे हैं, उनको जिनके नाम से आज भी भारत गर्व फील करता है, भारत की पहचान जिसके नाम से होती है. अब मोदी जी जाते हैं विदेश में, वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया. अंबानी की वाइफ गई, उन्होंने बोला मैं बुद्ध की धरती से आई. तो बुद्धा के जो रिलिक्स हैं जो दिल्ली के म्यूजियम में है, कलकत्ता के म्यूजियम में भी हैं, वो कई कई देशों में जाते हैं, बकायदा उनका शो होता है. क्या हम लोग कोई फेक हड्डी भेजेंगे उन्हें? दिमाग लगाने वाली बात है कि नहीं? क्या हम फेक चीजें म्यूजियम में रखेंगे? मैं खुद गया हूं अभय भाई दिल्ली के म्यूजियम में, मैंने खुद अपनी आंखों से वो रिलिक्स को देखा है, और वो पूरा रूम डेडिकेटेड किया गया है बुद्ध को, पूरा एक रूम. ऐसा कोई भी वहां पे किसी भी के लिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक के लिए पूरा नहीं डेडिकेट किया गया रूम, सिर्फ बुद्ध के लिए पूरा डेडिकेट किया गया रूम. और इतना सुंदर है, इतना पीसफुल है वो कमरा कि एक सुई गिरती है वहां पे तो पता चल जाएगा, इतनी शांति होती है वहां पे.